स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, मतलब फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स काम में आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो मैथमेटिक्स है ये फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। तो अपने को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स के बारे में, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मैथमेटिक्स जो होती है वो लैंग्वेज होती है फिजिक्स की। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अगर अपने को मैथमेटिक्स आती है तो अपने को फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको समझना, उनको अप्लाई करना, उनको डिस्क्राइब करना, ये सब बिल्कुल इजी हो जाते हैं अगर अपने को मैथमेटिक्स का नॉलेज है। तो क्लियर है, तो इट बिकम्स इजियर टू डिस्क्राइब अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल्स इफ वन हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो मैथ के जो तीन टॉपिक हैं वो अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि हम फिजिक्स को आसानी से समझ सकें। तो वो हैं, या मैं ऐसे बोले जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो अपने पास होंगे, डिफरेंशिएशन, सेकंड होगा इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो थर्ड है दैट इज वेक्टर। तो ये तीन जो टॉपिक हैं इसकी अपने को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए तो हम आसानी से फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो इनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स में। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले अपने को कुछ एक बेसिक टॉपिक है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं उसके बारे में अपने को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर है, जैसे सपोज दैट अपने को गिवन है वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो जो वाई की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी एक्स की वैल्यू पर। क्लियर है कि नहीं, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं वाई जो है ये फंक्शन है एक्स का, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन को डिनोट करेगा है, और किस पर डिपेंड करेगा ये, एक्स के ऊपर। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, दो जो वेरिएबल होते हैं उनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक वाई है और एक एक्स है, इसमें एक को तो हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करेंगे और दूसरे को डिपेंडेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखना वाई की जो वैल्यू है ये डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, तो यहाँ पर हम एक्स को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो देखो y इक्वल्स टू x एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, तो देखो इस ये वाला जो फंक्शन है y ये भी x का फंक्शन है, इधर भी जो y है ये x का फंक्शन है,
बट दोनों में अलग अलग रिलेशनशिप है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आएगी 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी 2। बट यहाँ पर देखना, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो देखो y की वैल्यू 4 आ जाती है। तो ये रिलेशन अलग टाइप का है, ये वाला रिलेशन अलग टाइप का है। तो फंक्शन का मतलब यही होता है कि, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल टू वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल को हम डिपेंडेंट बोलेंगे। क्लियर है? जैसे अभी एग्जांपल में आपको बताया था वाई इक्वल्स टू सपोज दैट 3x+2 है, तो इसमें जो x है ये वेरिएबल को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y की जो वैल्यू है ये x पे डिपेंड करेगी और इसको हम लिखेंगे y द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? सेम ऐसे ही देखो, अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू 2t² + t + 3, तो इस केस में जो y है ये फंक्शन है t का, t फॉर टाइम का। क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है फंक्शन। अब हम मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन हम पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? एलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं जैसे वाई इक्वल्स टू 2x+4, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथम जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं जैसे वाई इक्वल्स टू सपोज दैट लॉग ex, जिसमें लॉग आता हो, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वे होते हैं जिसमें हम e की पावर x या फिर a^x इन सब की डिस्कस करते हैं, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? तो अब देखो हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सपोज दैट ये अपना कोई सर्किल है, तो सर्किल की जो रेडियस है वो सपोज दैट आर है, तो अपने को पता है सर्किल का जो एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो एरिया है दैट इज फंक्शन ऑफ आर, बिकॉज जो एरिया की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी रेडियस के ऊपर, तो हम बोल देंगे यहाँ पर एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। क्लियर है कि नहीं? तो सपोज दैट अपने को पूछ लेते हैं कि उस एक अपने पास सर्किल है ये, इसकी रेडियस सपोज दैट 5 है, 5 मीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया फंक्शन है रेडियस का और इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखो आर की वैल्यू अपने को 5 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F5 इक्वल्स टू पाई इंटू आर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 पाई, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा m². क्लियर है? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखो और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, लाइक सपोज अपने को गिवन है y इक्वल्स टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस
क्लियर है कि नहीं? तो इसमें अपने को ये कह सकते हैं वाई जो है ये फंक्शन है एक्स का, और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 2x+2। क्लियर है? या इसको इतना भी लिख सकते हो। अब अपने को पूछा गया है एफ वन की वैल्यू फाइंड आउट करो, एफ फोर की वैल्यू फाइंड आउट करो, एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करो, और एफ एफ ओ वन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये सब चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ वन। तो देखो इसमें एक्स की जगह अपने को पुट करना है वन, तो देखो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन फर्स्ट एफ वन। ये सबसे पहले ऐसे लिख लो एफ एक्स इक्वल है 2x+2 के। क्लियर है? तो एक्स की जगह अपने को पुट करना है वैल्यू वन, तो ये एफ वन बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1+2 दैट इज 4। क्लियर है? सिमिलरली जब एक्स 4 निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह अपने को 4 पुट कर देना है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 और 2 = 10 हो जाएगा ये। क्लियर है? ऐसे ही एक्स प्लस वन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें एक्स की जगह आप अपने को पुट करना होगा x+1, तो देखो क्या बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू अपना गिवन है अपने को 2x+2। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ x+1 की, तो देखो इस एक्स की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है x+1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2x की जगह लिखेंगे x+1+2, तो ये बन जाएगा अपना 2x+2+2 मीन्स 2x+4। क्लियर है? नेक्स्ट देखो अपने को फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ वन। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना एफ वन इसकी जो वैल्यू थी ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ वन स्टार्टिंग में किया था तो ये आया था अपना 4। अब एफ फोर अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसमें एक्स की जगह अपने को 4 पुट करना है, तो हो जाएगा देखो 2 × 4+2 दैट इज 8+2 मीन्स 10। तो इस टाइप से हम फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।